हिमाचल प्रदेश के शिमला के भराड़ी वार्ड में सामुदायिक भवन को लेकर बीजेपी पार्षद द्वारा लगाए गए आरोपों को कांग्रेस पार्षद तनुजा चौधरी ने निराधार बताया है। इसके साथ ही तनुजा चौधरी ने पूर्व पार्षद संजीव सूद पर वार्ड के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने संजीव सूद को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि संजीव जी बताएं कि उन्हें कोर्ट ने पार्षद पद से अयोग्य करार देकर क्यों हटाया है। जो संजीव सूद बिजली पानी के कनेक्शन न होने और अधूरे कार्य के आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। सामुदायिक भवन पूरे तरीके से बनकर तैयार है। 24 फरवरी को इसका उद्घाटन आनंद शर्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से वो भी इसी वार्ड में रहते थे तो उनको क्यों याद नहीं आई। अब जब इसका उद्घाटन हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि संजीव सूद क्षेत्र में विकास के खिलाफ है। लग रहा है कि इसमें बिजली पानी का कनेक्शन नहीं है। ये जिन्होंने ब्लेम लगाया है पहले वो जांच कर लें अच्छी तरह, उसके बाद ये ब्लेम लगाएं, क्योंकि बिजली पानी जो भी मूलभूत सुविधाएं वहां चाहिए वो सब कंप्लीट हो गया है काम। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि पहले भी जब वो पूर्व मनोनीत पार्षद रहे हैं संजीव सूद जी, उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में भी जब भी जनता का मैं कोई भी काम जनता के लिए स्टार्ट कराया है वार्ड में, उन्होंने उसमें टांग अड़ाई है। कभी भी आज तक उन्होंने कोई कार्य मेरा पूरा नहीं होने दिया। और अगर उनको अब प्रॉब्लम है जबकि हम जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, अब हालांकि 2 दिन रह गए हैं इस चीज को कि ये ओपनिंग होनी है कम्युनिटी हॉल के लिए, और ये जनता के लिए, जनता द्वारा उनके पैसों से ही, और अब ये जनता को ही हमने समर्पित करना है, तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये वो नहीं चाहते कि हम ये